नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आपको बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीयूटी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि सर हम तो बीएचयू के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे और इस बार एनटीए में क्या बीएचयू नहीं रहेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी इसमें नहीं दिख रही थी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्म फिलअप मत करिएगा, अभी रुक जाइएगा। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 24 जनवरी 2024 है, तो आप जनवरी में आराम से फॉर्म को फिलअप करिएगा। अभी 4-5 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो आपको हम बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनटीए में शामिल है। सभी यूनिवर्सिटी को असेंट लेटर, कंसेंट लेटर भेजना था एनटीए को, और बीएचयू यह लेटर भेजने में थोड़ा डिले किया, तो इस रीजन से अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एनटीए में जब आप ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नाम देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे सीयूटी पीजी, अगर हम यहाँ पे जाते हैं सीयूटी पीजी के वेबसाइट पे, तो अब यहाँ पे देखिए, अब होम पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट में बीएचयू का नाम नहीं दिख रहा है। तो बच्चे परेशान हो गए कि सर बीएचयू है नहीं क्या, हम तो बीएचयू के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो किसी रीजन, जब जैसे ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 2024 करके सीयूटी पीजी 2024 करके बीएचयू का फॉर्म दिखने लगेगा। हाँ, यह कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनटीए में शामिल है। इसका कोई डाउट नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेगा क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए पैनिक नहीं होंगे। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी नहीं ऐड हो रहे हैं, अभी फॉर्म जब तक लास्ट डेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सारे यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएंगे। बाद में आप अपना अटैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। करेक्शन विंडो आएगा, सब कुछ अटैच करने का ऑप्शन मिलता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको फॉर्म भी अभी नहीं भरना है, 10 दिन को बाद भरिएगा, ठीक है ना। तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या एनटीए में है कि नहीं, ठीक है। तो यह अपन, मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया कि एनटीए में इंक्लूड है, एंट्रेंस वही कराएंगे, एनटीए सीयूटी के थ्रू ही एनटीए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए पैनिक ना हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर ले, जैसे 10th 12th और फोटो वगैरह खिंचा के और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी रख लीजिए, सिग्नेचर वगैरह। और 1 अप्रैल के बाद का अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो EWS का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में OBC का 1 अप्रैल 2023 के बाद का रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।